मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम अपनी बॉडी को या तो अगेंस्ट ग्रेविटी भेजेंगे यानी कि ऊपर, या इन फेवर ऑफ ग्रेविटी भेजेंगे यानी कि नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। ठीक है, नीचे। तो जब हम ऊपर भेजेंगे किसी भी बॉडी को, ऊपर फेंकते हैं, स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो। इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड, रिटार्ड, स्पीड कम हो रही है। लेकिन जब नीचे गिरेगी बॉडी तो यू इज इक्वल टू ड्रॉप कर दो, वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी, तो क्या करेगी? एक्सेलरेट। दो चीजें क्लियर है? तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कितने लोग कहते हैं जीरो? इस पेन को ये लो, मुझे ऊपर फेंकना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पर? जीरो। ठीक है, ओके। फिर एक काम करो, मुझे एस निकाल के दिखाओ इसमें। ठीक है, एक बॉडी चलती है यू इज इक्वल टू जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, राइट। और मैं एस निकालता हूं, और ये आपको पता होगा अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, जीरो स्क्वायर, जीरो स्क्वायर इज 2 इंटू 9.8 विद नेगेटिव साइन इंटू एस। ओके, एस इज जीरो, गुड। तुमने कहा यू जीरो वी जीरो, मैंने पुट कर दिया। तुमने कहा कि यू जीरो वी जीरो और देखो एस जीरो, क्यों एस जीरो होगा? तो फिर गलती कहाँ है? वी तो फाइनल वेलोसिटी की, वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, देखो पेन व्हाट एन इंस्टेंट रेस्ट पे रहेगा तभी नीचे आएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें। ऊपर से नीचे निकालूं, उल्टा करूं? तो ऐसे तो जीरो आ रहा है ना यार, गड़बड़ कैसे? ऑब्वियसली यार, तुम कैसे सोच रहे हो? ये u = 0, अब इसमें क्या रॉकेट इंजन लगा हुआ है? अभी उड़ेगा, देखो अभी उड़ेगा। u = 0 1 2 3 4 5 6 वेलोसिटी बढ़ाएगा। क्या कर रहे हो यार, वेलोसिटी तो कम होती है ऊपर जाने में, पड़ती थोड़ी ना, तो तुम्हें अपने हाथ को तो ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो हाथ की वेलोसिटी आपने ली 10 मीटर पर सेकंड, तो पेन आपके हाथ में पड़ा हुआ है तो उसको वेलोसिटी भी क्या मिली? 10 मीटर पर सेकंड। फिर एकदम आपने हाथ साइड पे कर लिया तो उसको उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या दे दी? 10। जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, वो जा ही नहीं सकती। आपको अपने हाथ से ऊपर कुछ जोर लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर से वी आएगा। तो यहां पे इस पेन को ऊपर फेंकने के लिए कुछ वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी। ये पहली गलती, जब पत्थर को ऊपर फेंका जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी लोग जीरो ले लेते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं लेनी, कुछ तो लेना है। अगर नहीं गिवन तो यू लेनी है। पत्थर जब ऊपर जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, वो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से नहीं जाएगा, ठीक है जी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, राइट। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो एक स्टोन ऊपर से गिरा, यू इज इक्वल टू जीरो, हाँ इसमें अलाउड है यार, ये लो मैंने छोड़ दिया, यू इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे जोर लगाने की जरूरत क्या, अपने आप ही ये नीचे गिरेगा, ग्रेविटी खींच लेगी, तो यू इज इक्वल टू जीरो चलता है। तो ये ऑब्जेक्ट अब नीचे आया, जब नीचे आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? ओके, जीरो। आपने कहा जीरो, मैंने जीरो लिख लिया। अच्छा, एस निकाल लो, एस निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, वी भी जीरो, यू भी जीरो, तो एस भी जीरो। वी जीरो होगा, हाँ या ना? पर तुम कहोगे यार पत्थर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं अपना हाथ देना इधर, और इधर से मैं क्या करता हूँ, एक पत्थर ईंट फेंकता हूँ आपके हाथ पे, ठीक है, और फिर ईंट आपके यहाँ गिरेगी, फिर आप कहोगे कि यार चोट लगी, कि क्या कहोगे? सर वेलोसिटी जीरो है, क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी तो है ही नहीं, गिरो जो गिरनी है, ईंट क्या पहाड़ गिर दो, उसको तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। नहीं भाई, हाथ नीचे जाएगा, आपको चोट लगेगी, तो एक्चुअल में जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है वो कभी भी जीरो पे नहीं गिरती, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी पे हिट करती है। हाँ, वो अलग बात है,
हिट करने के बाद वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है अर्थ को और फिर आराम करती है, रेस्ट पे आ जाती है। तुम वो यू वी जीरो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि चोट लगने के बाद, नीचे गिरने के बाद, हिट करने के बाद ईंट आपको रेस्ट पे पड़ी दिखाई दे रही है। क्वेश्चन तब तक तो खत्म भी हो लिया, क्वेश्चन तो यहीं तक था कि उसने हिट किया, टच किया, बस यहीं तक क्वेश्चन। उसके बाद ईंट का क्या हुआ हमें नजर आने का कोई पड़ी रहने दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काफी लोग करते हैं, तो आपके सामने ही है, देखो कहीं ना कहीं गलत कंसेप्शन होता है, तो नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले ठीक कर रहा हूं इसे कि भाई जीरो मत बोलना आज के बाद, ठीक हो गया। तो ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होएगी नहीं, बात ही खत्म। और वैसे भी पत्थर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव है, जी प्लस 9.8, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, स्पीड तो बढ़ेगी, बढ़ती 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 मैक्सिमम होएगी अर्थ को हिट करते हुए। बस ये रूल्स हैं और इसमें कोई रूल नहीं है, वो खत्म हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो आप कहोगे फिर वाई एक्सिस अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नहीं होती, अर्थ में ऐसे नहीं खींचती, अर्थ में हमेशा ऐसे खींचती है, राइट? तो इसीलिए इसमें ए की वैल्यू या तो -9.8 या +9.8 रहेगी, पहला रूल। दूसरा रूल, मैंने आपको क्या सिखाया अभी पिछले 2-3 लेक्चर में, बॉडी मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको कैसे सॉल्व करना है। आज मैं सिखाऊंगा बॉडी मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, फिर अगला चैप्टर आएगा जिसका नाम है मोशन इन एक्स वाई प्लेन, मोशन इन 2D। 2D में कैसे मूव करती है बॉडी, इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे। तो 2D मोशन 1D और 1D की बनी हुई है, 1D यानी कि मोशन एक्स एक्सिस की अलग सॉल्व की जाती है, वाई की अलग सॉल्व की जाती है, कंबाइन किया जाता है रिजल्ट, तो 2D मोशन बन जाती है। और अगर 3D में जाना है तो जेड एक्सिस की मोशन अलग ली जाती है, तो 1D 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 कंबाइन होके 3D। तो ऐसे हम मोशन इन अ प्लेन के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए 1D अलग, 1D अलग सीखना जरूरी है। अगले चैप्टर में 1D 1D इकट्ठा लगेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर दिखेगा कि 2D में बॉडी कैसे मूव करती है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक। तो अब इसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने आपको शीट दी है, आज प्रिंट आउट दी है। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो मैंने डाल दिए थोड़ा सा सीक्वेंस खराब हो गया, ऐसे खराब हुआ कि थोड़े से ट्रिकी वाले पार्ट के जो टॉपिक्स हैं वो पहले डल गए और थोड़े जो नॉर्मल क्वेश्चन है थोड़े पीछे डल गए। तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। अभी जो आपने क्वेश्चन करना है वो करना है, एक तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट करो आंसर, जो आज शीट मिली है उसी के अंदर आएगी। आगे एग्जांपल देख लो, आगे चलो शीट्स में आगे देखो, मिलेगा आपको क्वेश्चन, यहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्यूशन ना देखें, अपने आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 98 मीटर हाइट, बॉल इज ड्रॉप्ड है, बॉल इज थ्रोन नहीं है, थ्रोन में क्या होता है कुछ वेलोसिटी से फेंका, ड्रॉप्ड में क्या होता है छोड़ दिया, तो u इज इक्वल टू 0। बॉडी नीचे गिरती है 98 मीटर, जब बॉडी नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन प्लस 9.8, राइट? फाइंड टाइम टू रीच द ग्राउंड, समय बताओ कब नीचे पहुंचेगी। कोई पूछता जी क्या लेना है, जी 10 लें कि 9.8 लें? देखो अगर तो आपको हाइट 1000 के बन होती फिर तो मैं जी 10 भी ले लेता, 0-0 से कटती, पर 98 है तो जी की वैल्यू 9.8 लेके कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इजी होने वाली है। हाँ, थंब रूल क्या है, 9.8 लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस यूज हो जाती है, ऑब्जेक्टिव के अंदर जी 10 भी चल जाता है, आइडिया से आंसर आ जाता है, पर सब्जेक्टिव के अंदर तो 9.8 के साथ आंसर लेना चाहिए। तो इसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, एस कितना पुट किया 98, U क्या है 0, हाफ G की जगह प्लस 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, ये और ये कटेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट ऑफ 20, यहीं तक छोड़ दें, सॉल्व करना आगे सॉल्व कर दें, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस फॉर्मेट में आंसर आता है, √20, √10, √3, √2 ऐसे आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि मोशन द ग्रेविटी में कैसे अप्लाई किया इसमें,
इसमें तो और भी अच्छा है, ए का चक्कर ही खत्म है, या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, 9.8 9 पॉइंट, बात खत्म। उसमें तो निकालना पड़ता है, फिर निकालना भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपने ट्राई करना है वो ये पढ़ना है, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। देखो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई, तो एक टावर कितने मीटर हाई है, 60। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो स्टोन की वेलोसिटी इनिशियल क्या, 0। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40। एक और पत्थर को ऊपर फेंक दिया, इनिशियली क्या स्पीड दी, 40। अब एक स्टोन ऊपर और एक स्टोन नीचे ऐसे आ रहे हैं, कभी ना देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता टक्कर हो जाए, नहीं है तो एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन है व्हेन, व्हेन का मतलब टाइम, एंड वेयर का मतलब डिस्टेंस, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस कितने एक्स है, और मान लो वो टॉप से एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस पूरी गेम में आपने टाइम स्टॉपवॉच पे नोट किया था जब दोनों पत्थर चले थे इकट्ठे, स्टार्ट मिल गए, तो आपकी स्टॉपवॉच में टाइम क्या है, टी। दोनों पत्थरों का टाइम डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक ही घड़ी है और आपने पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं टाइम टी। तो टी टाइम में ये पत्थर एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो टी टाइम में दूसरा पत्थर 60 माइनस एक्स कवर करता है, तो टाइम दोनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, प्लस 9.8, और ये ऊपर आएगा तो एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस 9.8। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, स्टोन वन के लिए, फर्स्ट स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सेलेरेशन 9.8, डिस्प्लेसमेंट है एक्स, आप अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लो, तो एस की जगह एक्स और यू की जगह 0, हाफ, नीचे आने में एक्सेलेरेशन प्लस 9.8 और टाइम क्या है, टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे पत्थर के लिए भी अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरे पत्थर के लिए यू क्या, 40, एक्सेलेरेशन क्या, माइनस 9.8 और डिस्प्लेसमेंट क्या, 60 माइनस एक्स, तो एस की जगह 60 माइनस एक्स इज यू टी 40 टी प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, क्लियर है? अब दोनों इक्वेशंस को लिखो, सॉल्व करके टी निकालो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके टी निकालो, टी आ गया तो एक्स भी आ जाएगा, टी को यहां पुट कर दोगे तो एक्स आ जाएगा, टी और एक्स निकालना, कैलकुलेशन करो, टी और एक्स निकालो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा।
देखो तो ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने में क्या होगा, x और माइनस x कैंसल, ये पूरी टर्म और ये टर्म भी आपस में कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ 40t और यहां से क्या बचेगा 60t, टाइम आ गया। तो कितने लोगों का टाइम आ गया था, ये टाइम आ जाएगा। टाइम की वैल्यू को ऊपर कहीं मर्जी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो टाइम, टाइम को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा x आएगा। अब ये जो डिस्टेंस आया 11.5 मीटर कहां से आया, फ्रॉम टॉप। टॉप क्यों, क्योंकि मैंने x कहां से लिया था, ऊपर से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो ऑप्शन देगा फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम ग्राउंड, तो आप अगर फ्रॉम ग्राउंड देखते हो ऑब्जेक्टिव में तो जो भी x आया 60 माइनस x करना पड़ेगा, आंसर आएगा। वो देखना पड़ेगा कि कहां से, अगर कुछ नहीं बोलता फिर जहां से मर्जी निकाल दो, ऊपर से चाहे नीचे, वो लिख दो कि ये डिस्टेंस ऊपर से है या डिस्टेंस नीचे से है। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपके अनसॉल्वड असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट होगा अलग अलग वैल्यूज के साथ, तो आपको जब प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो आप वहां ट्राई करना। यहां सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो कि क्या कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन वहां पे होगी। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ें एक बार और सोचें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं, कॉन्सेप्ट आप सोचना, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल ऑफ डेप्थ 19.6 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ध्यान से, एक पत्थर लिया, u इज इक्वल टू जीरो, ड्रॉप कर दिया, पत्थर चला u इज इक्वल टू जीरो, नीचे 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 कुएं में नीचे गया, कितने डिस्टेंस नीचे गया 19.6, पानी को हिट किया, आवाज आई, वो आवाज आपने सुनी, तो जाते हुए स्टोन नीचे जा रहा है, आते हुए साउंड ऊपर आ रही है। स्टोन u = 0 से स्टार्ट होता है, स्टोन नीचे गिरने में कुछ टाइम लेता है मान लो t1, साउंड ऊपर आने में टाइम लेती है t2, ये पूरा t1 प्लस t2 क्वेश्चन में कितना गिवन है 2.05, ठीक। तो यानी कि ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इक्वेशन पत्थर के लिए लगेगी और दूसरी साउंड के लिए लगेगी। पत्थर के लिए लगेगी s = ut + half at square, ये हिंट है। साउंड के लिए क्या लगेगी, s = ut + half at square लगेगी, नहीं नहीं लगेगी, s = vt लगेगी, क्यों, ut + half at square लगेगी, ठीक है। मैं बोलना शुरू कर रहा हूं तो u = 0, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरी स्पीड बढ़ रही है बोलने की, देखो तो आवाज़ आपको ऊंची ऊंची और स्पीड से सुनाई देगी, ऐसा होता है कि इंजन लगा हुआ है साउंड में कि एकदम रेस देगी और अपनी वेलोसिटी, भाई V और C कांस्टेंट होते हैं, साउंड की स्पीड बजते ही सीधी साउंड की स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। साउंड के लिए इक्वेशन लगेगी s = vt, पत्थर के लिए ut + half at square, साउंड के लिए vt। सोचें अब क्वेश्चन कैसे करना है,
आ गया समझ में? देखो इसमें सबसे पहले एक स्टोन नीचे गया, स्टोन नीचे गया, टाइम कितना लिया स्टोन ने नीचे आने में? अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 19.6, नीचे गिरते हुए स्टोन जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कितना आया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में स्टोन नीचे आया और टोटल स्टोन का गिरना और साउंड का आना, टोटल टाइम टेकन कितना 2.05 सेकेंड, तो साउंड कितनी देर में ऊपर आई, इसमें से स्टोन के नीचे गिरने का टाइम माइनस करेंगे 0.05 सेकेंड, ठीक हो गया? साउंड के ऊपर आने का समय पता लग गया आपको, साउंड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस कितना है 19.6, वेलोसिटी निकालनी है 0.05 आएगा, यहाँ पे सॉल्व करके आंसर 392 आएगा। साउंड की स्पीड 0.05 है, वो साउंड की स्पीड 332 होती है वैसे, न्यूटन ने निकाली थी, हम करेंगे न्यूटन और लैपलेस साइंटिस्ट इस सिलेबस में है, 92 आ गई है, थोड़ी तेज आ गई, क्या कर सकते हैं इसमें, पर 300 से ऊपर आती है। किसकी बोलो, किसकी, पत्थर की निकालनी है? हाँ मैं निकाल सकता हूँ, ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, आप मेरे से पूछें कि सर फाइंड वेलोसिटी, बोलो किस टाइम पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा और टाइम को 1.5 पुट करूंगा, वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ही है। जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v निकलता है वो ऑटोमेटिकली बाय कैलकुलस आया हुआ है, इंस्टेंटेनियस है, हम v इज इक्वल टू dx बाय dt करके आए हुए हैं, ठीक है, ये सब इंस्टेंटेनियस है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ये नहीं करेंगे अभी, ये करेंगे, इस क्वेश्चन में एक बॉल को रिलीज किया फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, रिलीज करने का मतलब u इज इक्वल टू जीरो, बॉल नीचे गिरी, टोटल टाइम टेकन कितना है कैपिटल t टाइम में बॉल नीचे गिरी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाय 3 सेकेंड, अब t बाय 3 पे तो वो हवा में होगी, तो आपको बताना है वो कहां पे होगी h डैश, लेकिन आपको h डैश जो निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ h निकालना है और कैपिटल टी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ दो ही टर्म्स गिवन है एच एंड टी, लगाओ क्या सोचेंगे इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्वेश्चन है कि इसमें u इज इक्वल टू जीरो करके पहला फर्स्ट केस करते हैं, पत्थर मान लो जमीन तक आता है, अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की जगह h, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ प्लस g इंटू कैपिटल t स्क्वायर, क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? हाँ, इसमें से निकला कुछ नहीं क्योंकि हमें ये तो निकालना ही नहीं h, हमें क्या निकालना है h डैश, तो फिर से अप्लाई करो इक्वेशन यहां से यहां तक, तो अब आप यहां से यहां तक इक्वेशन अप्लाई करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह h डैश जीरो प्लस हाफ g टाइम की जगह t बाय 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे t स्क्वायर में 9 आएगा, हाफ g t स्क्वायर क्या होता है h, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया h, आंसर क्या आ गया h अपॉन 9। अब ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है कि ये हाइट आपने कहां से निकाली, ऊपर से फ्रॉम टॉप, क्या पता ऑप्शन में हो डिस्टेंस निकालो फ्रॉम ग्राउंड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा h में से h बाय 9 को
माइनस, वो देखना पड़ेगा कि क्या पूछा, अगर कुछ नहीं पूछता फिर दोनों निकाल दो, ऊपर से भी माइनस और नीचे से भी, टीचर चेक करता रहेगा। और ऑब्जेक्टिव आता है उसमें मेंशन होगा फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम टॉप। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखें, When speed of car is v, the minimum distance over which it can be stopped is s. तो कह रहा है कि अगर स्पीड v है ना कार की और वो रुकना चाहती है तो वेलोसिटी फाइनल जीरो करना चाहती है। अब कार तो ग्रेविटी के साथ मूव करेगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही होगा ऑब्वियसली। तो आपको डिसाइड करना है कि ऊपर से गिरनी है कि नीचे से। ऑब्वियसली कार ऐसे नहीं चलती, कार तो ग्राउंड पे चलेगी, तो इसमें g का कोई रोल नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और स्टॉपिंग डिस्टेंस s है। सेकेंड केस वो कह रहा है अगर मैं स्पीड n टाइम्स कर दूं nv, तो अब कार को अगर रोकना है तो डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया रुकते हुए s डैश, तो फाइंड s डैश इन टर्म्स ऑफ s, ये क्वेश्चन है। अब इस पूरी गेम में एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है, रिटार्डेशन गिवन नहीं है, पर हाँ कार तो वही है, कार में ब्रेक्स भी वही हैं और ब्रेकिंग सिस्टम सेम है, उसी सड़क पर चल रही है, तो रिटार्डेशन दोनों में विल रिमेन सेम, माइनस होगी माइनस से, लेकिन दोनों में सेम लेनी है। ये नहीं है कि एक अलग, दो अलग अलग कार्स नहीं है, अलग अलग सड़कें नहीं है, सेम सिनेरियो है दोनों में, तो आप रिटार्डेशन दोनों में एग्जैक्टली सेम लेके आंसर करें। तो आप इसमें फर्स्ट में क्या लगाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, इनिशियल वी स्क्वायर टू माइनस ए एस, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी फिर से जीरो स्क्वायर माइनस एन वी स्क्वायर टू माइनस ए एस डैश, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है एस डैश की इन टर्म्स ऑफ एस। बेस्ट तरीका यही है, इन्हें डिवाइड कर लें। वैसे तो आपके पास मैथ्स में बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आप डिवाइड कर लें। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर टू बाय वन, सबसे फायदा डिवीजन का ये है, माइनस से माइनस, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, माइनस से माइनस, ए से ए, टू से टू, सब कैंसिल एक ही बारी में, और s डैश आएगा इन टर्म्स ऑफ s, s डैश इज n स्क्वायर इनटू s। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें क्वेश्चन? ठीक है, आएगा ये, आपके होमवर्क दूंगा सारा, शीट के अंदर सारा काम होगा जो आज होगा, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि क्या ट्रिक लगेंगे सब में, राइट? तो अगर मैं अभी यहां करवाऊंगा तो पांच क्वेश्चन से ऊपर कर नहीं पाओगे, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, पर मेरे को क्वेश्चन देने 30, इतना तो काम करवा के भेजूंगी, कम से कम 25-30 क्वेश्चन में से 20 तो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ये नहीं करना, ये करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें प्लीज।
बस एक ही चीज बतानी है मुझे, कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सलेशन है, आपको रेशियो निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन नथ सेकेंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स। जब हम एस एन नथ की बात करते हैं तो फॉर्मूला यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, जब हम एन सेकेंड्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एन जब निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ ए एन स्क्वायर, और एस एन नथ निकालना है तो जीरो ए बाई टू इंटू टू एन माइनस, आपको इसकी रेशियो निकालनी है तो डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ए बाई टू कैंसल आंसर, वैसे ही आंसर आ गया। पर ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, अगर सब्जेक्टिव है तो यहां तक कर दें, ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे कर दें। मेथड समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ ये करें, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिना देखे करें, शाहरुख खान वाला क्वेश्चन था। इस बार शाहरुख खान साइकिल पे आएगा, भाग नहीं रहा स्टेशन पे, अब बस को पकड़ेगा साइकिल पीछे लगा के। करो, कॉन्सेप्ट वही है जो किया था ट्रेन पकड़ने वाला।
सबको आ गया करना, सबको आ गया। तो बस स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सीलरेशन 2 एंड अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली टुवर्ड द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट एबल टू ओवरटेक द बस। तो बस चलती है u इज इक्वल टू 0 से, साइकिल वाला 20 मीटर पर सेकेंड 96 मीटर पीछे है, दोनों इकट्ठे चलते हैं और साइकिल वाले ने बस वाले को पकड़ना है। अब क्या रूल था कि जब ये यहां पहुंचेगा बस यहां जा चुकी होगी, बस एक्सेलरेट कर रही है, तो बस ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो साइक्लिस्ट ने 96 प्लस एक्स कवर किया। तो बस के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और साइकिल वाले के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 96 प्लस एक्स इज वीटी। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आएंगे, मिनिमम टाइम मार्क कर देना, अगर सब्जेक्टिव आता है तो दोनों टाइम, ऑब्जेक्टिव आता है तो मिनिमम टाइम, एक ऑप्शन देगा वो आपको। अब इसमें आपको जो होमवर्क करना है वो आप एक बार जरा अच्छे से नोट करें ताकि इसके बेस पे एटलीस्ट आपको काम मिले और आप एक बार ट्राई करें। सबसे पहले होमवर्क के अंदर सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 ये आज आपको मिली है, मोशन अंडर ग्रेविटी सब्जेक्टिव शीट नंबर 14, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, छह क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, ये चेक करो क्या नंबर है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए इसका क्या नंबर है, ये 6 है, ये तो हुई है, शीट दो मुझे, मार्क करो। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 में ये पूरी की पूरी शीट आपको करके आनी है, 30 क्वेश्चंस हैं, आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, इसमें से 8-10 क्वेश्चन इतने आसान है, पहले 10-15 आप ये लगाओ कि आधे घंटे में सॉल्व होंगे, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर है, बाकी मोशन और ग्रेविटी पे भी हैं। तो ये 1 लेवल की असाइनमेंट है जो नॉर्मल असाइनमेंट है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने कर लिया वैसे, पर फिर भी आपने ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 8। बस अब आपने ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शीट 7 है, ये तो चलो आप इतना होमवर्क नहीं कर पाओगे, आप 7 तो रहने दो, आप सब्जेक्टिव शीट और ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 इतना ट्राई करके आएंगे। प्लस अगली बार क्लास के बाद आपका 15 मिनट का फिर से टेस्ट है, टेस्ट के अंदर प्रूफ आएंगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ कैसे बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैसे बाय कैलकुलस मेथड, और तीसरा एस एनथ का फॉर्मूले की डेरिवेशन। ये तो थ्योरी के क्वेश्चन है, इसमें 2 डेरिवेशन आएंगी, कोई भी 2 दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल पे, तो एवरेज वेलोसिटी की जो भी शीट्स हैं आपने रिवाइज करके आनी है, एक न्यूमेरिकल एवरेज वेलोसिटी पे आएगा। चौथा न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ एस एनथ का न्यूमेरिकल, कोई इसमें मोशन ऑफ ग्रेविटी नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें एस एनथ, एस फिफ्थ, एस सिक्स, एस एनथ का न्यूमेरिकल ओनली। हमने ऐसे किए हैं कि सिक्स एस एनथ मतलब 1200 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, 600 मीटर इन 7th सेकेंड, तो फाइंड 12th डिस्टेंस, कुछ ऐसा जिसमें एस एनएथ का रूल हो। बस तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भी बना के दूंगा कि क्या क्या करना है,
आप वो तैयारी करके आना, राइट। तो प्लीज प्रैक्टिस, और जिसको ये शीट यहाँ करनी है तो कल आ जाए, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेगा, बात खत्म। तो मिलते हैं फिर, ये लो, थैंक यू।